प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे प्रवाह कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 6 एवं 7 के अंतर्गत कार्यपत्रक 42। आइए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 42 दक्षता, देखी हुई परिवेशी वस्तुओं जानकारियों पर सहज अभिव्यक्ति कर पाना। यहाँ देखिए, ये एक चित्र दिया हुआ है। ये देखिए, कफ सिरफ, तुलसी, अदरक, शहद, मुलेठी, खांसी जुकाम व गले की खराश के लिए आयुर्वेदिक व असरकारक औषधि। तो ये पूरा चित्र, इस चित्र में यहाँ तुलसी, अदरक, शहद और मुलेठी, ये सब इसके अंदर लिखे हुए हैं, और कफ सिरफ। समझ में आ गया? अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न एक, ऊपर छपी सामग्री को कहा जाता है सूचना, विज्ञापन, समाचार, नोटिस। तो इस प्रकार का जो प्रचार प्रसार का जो कार्य होता है, इसे कहते हैं विज्ञापन। इस पे हम सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न दो, तुलसी और शहद के गुणों सहित का अर्थ होगा क, जहां तुलसी और शहद बनता है वहीं इसे भी बनाया जाता है। ख, इसमें शुद्ध तुलसी और शहद को मिलाया गया है। ग, इसे तुलसी और शहद के साथ पीना है। ग, इसमें तुलसी और शहद के औषधि तत्व शामिल हैं। तो इसका अर्थ होगा ग वाला, इसमें तुलसी और शहद के औषधि तत्व शामिल है। इसे कहते हैं तुलसी और शहद के गुणों सहित। प्रश्न तीन, यह विज्ञापन किसका है? तो लिखेंगे यह विज्ञापन कफ सिरप का है। प्रश्न चार, इस विज्ञापन में दी गई दवाई में कौन कौन सी औषधियों का मिश्रण है? तो लिखेंगे हम दवाई में तुलसी अदरक शहद और मुलेठी औषधियों का मिश्रण है। अगला प्रश्न पांच, यह दवाई किस किस रोग के लिए है? तो लिखेंगे यह दवाई खांसी, जुकाम व गले की खराश रोग
के लिए है। प्रश्न 6, आपके घर पर खांसी जुकाम के लिए क्या क्या घरेलू दवाइयाँ देते हैं, लिखिए। तो लिखेंगे हमारे घर पर खांसी जुकाम के लिए हल्दी, नमक, को दूध में मिलाकर पिलाते हैं। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने कार्यपत्रक 42 समझा। आप भी इसे ध्यानपूर्वक समझते हुए इसका अभ्यास कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।